नमस्कार। कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जहां एक लड़का 8 बार बीजेपी को वोट डालता नजर आ रहा है। ये वायरल वीडियो फर्रुखाबाद लोकसभा के एटा जिले के अलीगंज विधानसभा का है। वायरल वीडियो में फर्जी वोटिंग करने वाला युवक का नाम राजन सिंह है, जो कि लोकल बीजेपी वर्कर का बेटा है। इसे शिकायत के बाद एटा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा बूथ पर तैनात पोलिंग पार्टी के सभी सदस्यों को सस्पेंड करने के बाद उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की बात भी कही गई। इस मामले में कार्रवाई के बारे में बताते हुए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नवदीप ने बताया कि सोशल मीडिया में एक व्यक्ति का कई बार मतदान करने का वीडियो वायरल हुआ है। उन्होंने कहा कि इस घटना पर IPC और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से दोबारा वोटिंग कराने की भी सिफारिश की गई है। आपको बता दें कि इस मामले में कार्रवाई SP की शिकायत करने के बाद हुआ था। SP ने अपनी शिकायत में लिखा, 8-8 बार एक लड़का वोट डाल रहा है, सारे वोट इसमें भाजपा को दिए गए हैं। एक व्यक्ति एक ही बार में सिर्फ एक ही वोट डाल सकता है और ये लड़का 8 बार वोट कैसे डाल रहा है? ये तो सिर्फ एक वीडियो है। ऐसे तमाम घटनाएं हुई हैं जो सामने आ ही नहीं पाई है। क्या ये निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? भारतीय निर्वाचन आयोग इस पर जवाब दे। वहीं कांग्रेस ने वीडियो जारी करते हुए लिखा, चुनाव आयोग जी देख रहे हैं, एक लड़का 8-8 बार वोट कर रहा है, अब तो जागिए। इसके अलावा वीडियो के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एक्स पर इसको पोस्ट करके चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा, अपनी हार सामने देखकर भाजपा जनादेश को झुटलाने के लिए सरकारी तंत्र पर दबाव बनाकर लोकतंत्र को लूटना चाहती है। कांग्रेस चुनावी ड्यूटी कर रहे सभी अधिकारियों से अपेक्षा करती है कि वो सत्ता के दबाव के सामने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को नहीं भूलेंगे। वहीं अखिलेश यादव ने लिखा कि अगर चुनाव आयोग को लगे कि ये गलत है तो कुछ कार्रवाई जरूर करे, नहीं तो भाजपा की बूथ कमेटी दरअसल लूट कमेटी है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी कई ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले थे जहां इस तरह से प्रॉक्सी वोटिंग की गई थी। क्या कहना है आपका इस पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।